युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जमीनी विवाद को लेकर दबंग प्रधान प्रदीप परमार उर्फ पिंटू सिंह ने कुछ लोगों के साथ मिलकर युवक सौरभ मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। एक प्लॉट के निर्माण कार्य को लेकर प्रधान पति और सौरभ मिश्रा के बीच मारपीट और फायरिंग हुई, जिसमें सौरभ मिश्रा को गोली लगने पर उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उन्हें डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। इस हत्याकांड में मृतक के भाई ने 6 नामजदों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है, जिसमें से 5 नामजद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंची और घटना स्थल की जांच कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस घटना की जानकारी पर दबंग प्रधान पति के घर पुलिस द्वारा दबिश दी गई, जहां से 3 लाइसेंसी असला, 3 अवैध तमंचे और 3 दर्जन से ज्यादा जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। ये प्रकरण थाना इलाहू जनपद मैनपुर का है। इसमें इलाबांस ग्राम में एक प्लॉट पर निर्माण कार्य को लेते हुए एक सौरभ मिश्रा और प्रधान पति पिंटू सिंह के बीच में मारपीट और फायरिंग हुई। इस मारपीट और फायरिंग में सौरभ मिश्रा को गोली लगी, जिनको जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। इस पूरे प्रकरण में सौरभ मिश्रा के बड़े भाई के द्वारा 6 लोगों को नामजद करते हुए तहरीर दी गई। इन 6 नामजद लोगों में से पुलिस के द्वारा 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तथा प्रधान पति के आवास पर दबिश दे करके उनके आवास से 3 लाइसेंसी असलहे, 3 अवैध तमंचे और 3 दर्जन से भी ज़्यादा जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। इसमें आगे और भी कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।